मेटाकॉगनीशन वट इज मेटागॉग्नीशन मेटोकॉग्नीशन बेसिकली इज अ स्किल थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग थिंकिंग अबाउट योर नोइंग थिंकिंग अबाउट योर इन्फॉर्मेशन थिंकिंग अबाउट योर एक्शंस सो मेटाकॉग्नेशन का मतलब ये है इसके साथ काग्नेशन का वर्ड है तो इज सिंपली थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग का मतलब ये है कि वट एवर यू डिट इन द पास्ट और इन प्रेजेंट You will think, What I did? Is it right or wrong? Is it positive or negative? So, when you are actually analyzing your uh, actions and thinking, that is called metacognition that you are thinking about your thinking. That my thinking is my thinking right or wrong? My thinking is positive or negative? Whatever I'm doing or whatever I'm thinking, is it good or bad? So, when you are actually thinking, and then you are uh, also evaluating it then you are also analyzing it that process is called metacognition and uh, it refers to the process used to plan monitor and assess one's understanding and performance and uh, metacognition includes a critical awareness of one's thinking and learning oneself as a thinker and a learner you are learning something and you are also thinking about it what i'm doing what i'm learning this is not good for me or this is good for me so when you are questioning yourself and when you are thinking about your any action and behavior or any thinking that is called actually the metacognition and uh, basically uh, uh, that is very good because when you will analyze your thinking or your actions or uh, words you have a exchange उसके बाद आपको अपनी गलती का एहसास हुआ आपने सोचना शुरू किया कि क्या जो मैं सोच रहा था वो ठीक था या गलत था क्या जो मैंने किया वो ठीक था या गलत है जब आपको ये एहसास होता है कि नहीं उसमें ज़्यादा गलती मेरी है और आप उसके बाद उसकी सॉरी कर लेते हैं तो यकीन कीजिए आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया और आपकी थिंकिंग जो है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है सो so, मेटाकॉग्निशन की एक्सरसाइज़ आपकी अपनी ज़ात को इम्प्रूव करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से मेटाकॉग्निशन कॉगनीशन ऑलवेज़ इन आल्सो इन्वॉल्व नोइंग योर सेल्फ एज अ लर्नर एंड नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसिज एज अ लर्नर यानी जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो है उसको आप जानना शुरू हो जाते हैं उसको वैलुएट करना शुरू हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने आप को जान लिया तो अपने आप को जानने का नाम भी मेटर कॉगनीशन है क्योंकि आपकी माइंड से जो थिंकिंग प्रोड्यूस होती है वो आ, उसकी रीज़न्कावायरमेंट भी हो सकता है कि आप सोचते हैं कि Uh, मेरे पास पैसा नहीं है तो ये जो सामने बैग पड़ा है इसमें चूँकि पैसे हैं अब वो मेरी टीचर का बैग है वो अभी क्लास में नहीं है तो उसको कौन सा पता चलेगा तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से जो पैसे हैं वो ले लूँ इस इस सोच पे अब आप अपने आप को देख रहे हैं कि है तो ये स्टीलिंग है तो ये चोरी लेकिन ये है कि मिस को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं उसमें से पाँच हज़ार का एक नोट निकाल लूँ तो सोचने की बात यह है कि आपकी ये थिंकिंग कैसे प्रोड्यूस हो रही है आप ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है लेकिन दूसरे ही लम्भ है आपकी सुपर ईगो जो है वो आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराती है कि चोरी तो चोरी है और आपकी टीचर जो है आपके बारे में क्या है, इमेज है ये आप खुद से सोच रहे हैं अपनी थिंकिंग के बारे में कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है या गलत है तो इस तरह से आप अपने आप को जज कर रहे होते हैं वेलुएट कर रहे होते हैं और फाइनल डिसीजन जो आप लेते हैं वो आपकी सोच जो है वो आपको सुपर ईगो जो है वो आपको कंट्रोल करती है और आपको बताती है कि आपकी सोच गलत है हमेशा के लिए आपका इमेज ख़राब हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसिस इसके जो हैं वो कभी भी आपके फेवर में नहीं आएंगे तो मेटाकॉगनीशन बेसिकली आपको प्रैक्टिस कराती है आपको जो है वो आ, ये वाली आपकी जो सोच है इसको जो है वो पॉजिटिव बनाने में बड़ी हेल्प करती है क्योंकि अगर इंसान अपनी ग़लती का उसको एहसास ही ना हो तो उसने गलती को तस्लीम कैसे करना है गलती को तस्लीम करने वाला बड़ा ब्रेव पर्सन होता है क्योंकि दूसरों के सामने अगर आप ईगोइस्टिक नहीं हैं और आप समझते हैं कि मैंने चूँकि गलती की है मुझे अपनी तस्लीम करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए तो बाजा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं बाज़ आपको और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए फिर हम अपनी गलती जो है वो मानते नहीं हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये जो मेटोकॉग्नीशन का प्रोसेस है अपने आप को वैलुएट करना अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानना तो ये एक बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो आपकी शख्सियत जो है वो मॉडस्ट पर्सनैलिटी बन के लोगों के सामने आएगी तो गलती तस्लीम करने वाला जो है वो बड़ा मॉडस्ट पर्सन जो है वो कहलाता है